वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। ये स्टडी वाज वेरी गुड डे फॉर इन्वेस्टर्स। इस सेंसेक्स ने 74,468 पॉइंट पर क्लोजिंग लेते हुए 3 जून को 2507 पॉइंट पर 3.39% पर बंद हुई। बीएसई सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया स्टडे जो कि 76,738 की थी। यदि डेज के हिसाब से करें तो 75,673 लो थी और 52 वीक लो 62,359। द लोकसभा इलेक्शंस 2024 वर हेल्ड अक्रॉस इंडिया इन 7 फेजेस फिनिशिंग ऑन जून 1 व्हेन एग्जिट पोल रिलीज्ड। इसमें एनडीए गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसकी काफ़ी बढ़त देखी गई है। तो जिसे स्टॉक्स मार्केट के लिए जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है ये काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि उनके जो पॉलिसी मैटर्स है जो विकास के मैटर है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी जल्दी होती है और इससे कंपनीज को फ़ायदा होता है और स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट आने की उम्मीद में कल पिछले दिन सेंसेक्स में काफ़ी वृद्धि देखी गई। तो आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट है और शाम तक रिजल्ट आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और किसी कारण से अगर लेट हुई तो कल सुबह पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। तो सेंसेक्स ने काफ़ी बढ़त के साथ चौतरफा खरीदारी हुई। जो डिफेंस सेक्टर, कैपिटल गुड, रेलवे सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल्स, गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स, ये सभी में बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई। 5 से लेकर के 10% तक स्टॉक्स बढ़े और सिर्फ एक आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कई सारे स्टॉक्स रेड में बंद हुए। चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या एसीएल टेक हो, जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के स्टॉक्स है, ये नेगेटिव लेते हुए बंद हुए। हम आगे वीडियो में देखेंगे कौन सी स्टॉक्स निफ्टी 50 और निफ्टी 500 की टॉप गेनर बनी। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल जोन 10.2% के साथ बढ़त ली। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.1% के साथ बंद हुई। द पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की शेयर 8.9% अप। इसके बाद ONGC के शेयर 7.5% अप। अदानी ग्रुप में काफ़ी अच्छी बढ़त देखी गई। अदानी इंटरप्राइज 6.9%, श्रीराम फाइनेंस 6.6%, लार्सन टूब्रो 6.2%, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम 6.1%, अल्ट्राटेक सीमेंट हुई बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया 5.6%, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 मार्केट के 5.6%, एक्सिस बैंक 5.3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.1%, द प्राइवेट बैंक इंडसलैंड बैंक 4.6%, कोल इंडिया 4.3%, टाटा स्टील 4.2%, इसके अलावा JSW स्टील 4%, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक 3.5%, बजाज फिन सर्विस 3.1%। नेक्स्ट हम BSE 500 का जो टॉप गेनर उसको देखेंगे। तो अदानी पावर 15.7%, गेल इंडिया प्लस 13%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 12.7%, RSE 12.4%, बैंक ऑफ बड़ौदा 12.1%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया POC के स्टॉक्स 11.8%, अदानी पोर्ट 10.2%, IRB 10.1%, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया 9.3%, NTPC 9.1%, SBI 9.1%, सीसी द कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लस 9%, पावर ग्रिड 8.9%, द अदानी इंटरप्राइज 8.8%, कैनरा बैंक 8.7%, प्रेसिज एस्टेट 8.6%, इसके अलावा यूको बैंक 8.5%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 8.4%, इंजीनियर्स इंडिया 8.3%, द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 7.9%, फाइनेक्स मिल 7.9%, फिनोलेक्स पाइप 7.8%, द अदानी टोटल गैस 7.7%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL 7.7%, LIC हाउसिंग 7.6%, JWL जुपिटर बैगन 7.5%, ONGC 7.5%, JSW एनर्जी 7.5%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 7.2%, IDBI 7.1%, मोतीलाल असवाल 7%, अदानी इंटरप्राइज 6.9%, इंडियन बैंक 6.9%, अदानी ग्रीन 6.8%, ब्रिगेड 6.7%, द गोदरेज कॉरपोरेशन 6.7%, CG पावर 6.7%, श्रीराम फाइनेंस 6.6%, DLF 6.6%,
पेट्रोनेट एलएनजी 6.5%, आरके फोर 6.5%, आरबीएल बैंक 6.3%, सेफियर 6.3%, आईआरएफसी द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 6.3%, आईओबी 6.2%, लार्सन टुब्रो एलएनटी 6.2%, एमजीएल महानगर गैस निगम लिमिटेड 6.2%, बीईएमएल 6.2%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.2%, IGL 6.1%, BPCL 6.1%, and Chennai Petro 6.1%, Hindustan Aeronautics Limited 6%, RBN Railway Vikas Nigam Limited 6%, the PNB Punjab National Bank 5.8%, Ambuja Cement 5.8%, NBCC 5.8%, Capri Globals 5.6%, the Ultratech Cement 5.6%, the Reliance Industry 5.6%, the Ashok Leyland 5.6%, NHPC 5.5%, Supreme Industry 5.5%, India Cement 5.5%, and the LIC of India 5.4%, PNC Infra 5.4%, the Titagarh Wagon 5.4%, Granules 5.4%, SEC 5.4%, Bank of India 5.3%, Axis Bank 5.3%, HDFC AMC 5.3%, OIL Oil India Limited 5.3%, Solar Industry 5.2%, Dexon 5.2%, Raj Industry 5.2%, Mahindra & Mahindra 5.1%, Carborundum 5.1%, RCF 5.1%, Sikandar Electricals 5%, Maharashtra Bank, Bank of Maharashtra 5%, SW Solar 5%, G News 5%, इसके अलावे नू वेस्टा 5%, सेल 5%, केएसी इंटरनेशनल 4.9%, सजनों एनर्जी 4.9%, टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क 4.9%, आइडिया बोरा 4.9%, हुडको 4.9%, गुजरात पिपावा 4.7%, सिग्नेचर गोरो 4.7%, सेंचुरी टेक्सटाइल 4.7%, थर्मेक्स 4.7%, बिरला कॉरपोरेशन 4.7%, MRPL 4.7%, इंडस बैंक 4.6%, डालमिया भारत 4.6%, GNFC 4.6%, द चंबल फर्टिलाइजर 4.6%, इंडस टावर 4.6%, टाटा पावर 4.5%, क्यूमिन इंडिया 4.5%, द FSL फर्स्ट सोर्स 4.5%, एंड CBS बैंक 4.5%, द एंजल वन 4.5%, JSW Infra 4.5%, the KPR Mill 4.4%, L&D Finance 4.4%, Simons Limited 4.4%, the JMR Airport 4.4%, Coal India Limited 4.3%, the Tata Steel 4.2%, Saregama 4.2%, Bhel 4.2%, MMTC 4.2%, NSCL 4.2%, Hindustan Copper Limited 4.1%, Fact Fertilizer Corporation of India 4.1%, Lodha Group 4.9%, GSFC 4%, NUMA 4%, ISES 4%, GIC General Insurance Corporation 4%, JK Cement 4%, the JSWC 4%, Optus Value 3.9%, the Swan Energy 3.9%, Jai Balaji Steel 3.9%, the Kalamandal Finance 3.9%, or RITES 3.8%. इस तरह से हमने देखा कि निफ्टी 50, निफ्टी 500 और सभी सेक्टर में, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, सभी स्टॉक्स ने अच्छी खासी लोगों कमाई करके दी। तो इसी के साथ हम टेक की और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए। कुछ रह गया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।